नमस्कार, मैं हूं विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत जो सोच रहा था कि अवकुश बनने के बाद जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और यूके न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे सकते हैं, दे रहे हैं, उसी तरह क्या भारत को भी मिल सकता है। इस पर अब यूएस का, या आप कह सकते हैं कि यूएस यूके दोनों का ही एक विचार क्लियर हो गया है, उसकी मीडिया में निकलकर सामने आया है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपना ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती आपको तब भी जॉब मिलेगी, 30-40 हज़ार की नौकरियां यहां पर मिल जाती हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी कंपनियों में भी नौकरियां मिल रही है। आप कक्षा 8-10 पास किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस सबको मिला के अवकुश बना हुआ है और ये मेनली न्यूक्लियर पावर सबमरीन को ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो इंडियन ओशन एरिया है या ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो ओशन है या पैसिफिक ओशन में, वहां पर चीन को टक्कर दी जा सके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या अमेरिका और यूके चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को वो चीन के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल कर सके, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड के भी सदस्य हैं, अमेरिका भी क्वाड का सदस्य है, जापान भी एक क्वाड का सदस्य है, तो ये माना जा रहा था कि क्या अमेरिका भारत को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि 2030 तक सेकेंड हैंड जो ऑस्ट्रेलिया को 3 सबमरीन्स प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद 2040-50 तक उनको नया सबमरीन भी प्राप्त होने लगेगा, जो कि इस कॉरपोरेशन से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। अब जब पत्रकार वार्ता में या डिप्लोमेट से उनसे पूछा गया, अमेरिका के डिप्लोमेट से पूछा गया कि भारत जैसे देश का भी कोई यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्या उनको ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है, डिप्लोमेट्स का ये कहना था कि भारत का इसमें कोई भी कोऑपरेशन नहीं होगा, भारत को किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि ऑकुस दो पिलर पर टिका हुआ है। पहला पिलर है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, दूसरे पिलर में आते हैं चाहे क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कर लें हम लोग, साइबर वॉरफेयर्स की बात कर लें, या इंजन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो ये दूसरे पिलर में आते हैं। पहले पिलर उनका सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, वो आता है, उसमें किसी भी देश को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरे पिलर में इंक्लूड किया जा सकता है भारत जैसे देशों को जो कि क्वाड के सदस्य हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें इस वक्तव्य से या इस विचारधारा से क्लियर होती हैं कि अभी विश्व में अगर यूके, यूएस या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो उनमें सबसे जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी मानी जा रही है वो सबमरीन टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, जिसको कि वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, क्लोज कोऑपरेशन वाले देशों से भी शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि भारतीय कंडीशन में ये इसलिए भी शेयर नहीं हो रहा क्योंकि भारत का जो सबमरीन का कोऑपरेशन है वो रशिया से ज़्यादा है। हम INS चक्रा उनसे लिए हुए हैं, उन्हीं पे बेस्ड हमने, उन्हीं की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमने अरिहंत जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको डेवलप किया। हालांकि वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, हमें अटैक सबमरीन बनाना है, जो कि फिर से हम रशिया से जो लीज पर INS चक्रा लेंगे उसकी टेक्नोलॉजी से ही डेवलप करेंगे। तो अमेरिका को ये लगता होगा कि भारत को अगर ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी या उनकी ये जो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी वो किसी तरह फिर रशिया के हाथ में चली जाएगी, रशिया से चीन के हाथ में चली जाएगी। चीन वैसे भी अमेरिका को रिप्लेस करने का प्रयास कर रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पूरे विश्व का बनने का प्रयास कर रहा है। अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो उन्होंने मध्यस्थता की है उससे चीन का कद और ज़्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी वो मध्यस्थता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे भी कद उनका बढ़ रहा है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता होगा किसी भी माध्यम से भारत के थ्रू ये सारी चीज़ें रशिया और चीन तक पहुँचे। साथ ही साथ एक तीसरा आकलन ये भी है कि अमेरिका भारत को किसी भी तरह से दूसरा चीन नहीं बनने देना चाहता होगा। वो ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाह रहा है जिससे कि उनको बेनिफिट हो, उनको काफ़ी कमाई हो, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी। उनकी कंपनी इंजन की टेक्नोलॉजी भारत तक प्रोवाइड कर रही है जिससे कि उनको मोटी कमाई होने वाली है, क्योंकि भारत अब इंडिजीनियस सामान ही खरीदने जा रहा है और उनका इंजन भारत के एयरक्राफ्टों में लगेगा। इससे चीन के खिलाफ भारत अपनी एयरक्राफ्ट की एक बड़ी खेप बना सकता है। तो इन कारणों की वजह से वो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जिससे कि वो चीन से लड़ाई भारत कर सके वो चीज़ें ट्रांसफ़र तो कर रहा है, पर भारत को वो दूसरा चीन नहीं बनने देना चाहते हैं, ताकि न्यूक्लियर पावर सबमरीन आने के बाद भारत ऐसी तरक्की ना कर ले कि अमेरिका को ही आंख दिखाने लगे, अमेरिका को ही रिप्लेस कर दे। इस प्रकार की चीज़ें हैं। आपके मन में कुछ और तथ्य हों और तर्क हों तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।